करीब करीब 5244 लोगों को दिया है, प्रथम 1458 को, और द्वितीय दिया है 3018 का, और तृतीय दिया है 7768 लोगों को। ये अक्टूबर माह की मैं बता रहा हूँ। नवंबर में जो अभी हमारा चल रहा है उसमें से प्रथम 770 को जा रहा है, द्वितीय 1182 को जा रहा है, तृतीय जो है 851 को जा रहा है। इसके अलावा कुछ मतलब इस योजना से वंचित लोग हैं उन उनको किस तरह से आपको? नहीं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट टाइम पे जिस लाभार्थी ने जो फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है, आज के टाइम पे वो मोबाइल नंबर नहीं चल रहे हैं, तो उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जिन्होंने पहले अपना नंबर दिया है और उनके अभी तक चूना नहीं डला है, तो यहाँ पे ऑफिस में आए, अपना नया नंबर अपडेट कराए, जिससे कि उनकी जियो टैग हो सके और उनको लाभान्वित किया जाए। सर, प्राय एक समस्या आती है फील्ड में कि कुछ लोग वहाँ इसके प्रधानमंत्री आवास के नाम पे अवैध रूप से वसूली करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मेरा हर लाभार्थी से एक ही संदेश है, मैंने पूर्व में भी आपके माध्यम से दिया था ये संदेश। संस्था के जितने भी कर्मचारी है वो सारे के सारे आई कार्ड हमने इशू किए हुए आई कार्ड के साथ हो जाते हैं। बगैर आई कार्ड के अगर कोई जाता है, चाहे वो संस्था कर्मचारी है या फिर बाहर का दलाल जो लोग हैं, तो अगर जो संस्था कर्मचारी भी किसी से डिमांड करे या फिर बाहर का कोई दलाल डिमांड करता है, तो उसको नज़दीकी थाने में सूचना दे और DM साहब का जो अपना हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचित करें।